न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। जब मोतियाबिंद की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है और इस ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल, रहन सहन, खान पान इस तरीके का होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारी लगातार लोगों को परेशान कर रही है। और एक उम्र के बाद ये आम हो चला है कि लोगों की मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी खोज हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस के जो वैज्ञानिक हैं, जो ये इंस्टीट्यूट मोहाली में है, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक खास तरीके का फॉर्मुलेशन खोजा है, जिससे अगर आप इसको आंख में डालते हो तो आपका जो मोतियाबिंद है उसको हटाया जा सकता है या उसको खत्म किया जा सकता है बगैर किसी ऑपरेशन के। आखिरकार ये पूरी खोज क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं, मोहाली से खुद जुड़ रही हैं वहां की साइंटिस्ट जीवन ज्योति पांडा जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। जीवन ज्योति जी, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आप हमसे बात करने के लिए और हमारे खोज के बारे में जानने के लिए धन्यवाद। मैम, जो मैं बता रहा हूँ ये सही है क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली मोतियाबिंद आजकल काफी ज्यादा है एंड किसी भी, अगर आप एजेड पर्सन है उनके केस में काफी प्रोमिनेंट हो गया है। तो ये, और मैक्सिमम आज के डेट में इसका जो क्योर है वो सर्जरी ही है, बट इसमें काफी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होते हैं, लाइक आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, कुछ रेटिनल डिटैचमेंट, ये सब है। इन सब चीज को देखते हुए हमने सोचा कि अगर हम कोई आई ड्रॉप या ऐसा कोई इजी एक्सेस सॉल्यूशन बनाए इसके लिए, जो कि आप पेशेंट जो है उन्हें आंखों में डाल के कुछ दिनों के लिए डालें एंड उनका मोतियाबिंद या उनका कैटरैक्ट ठीक हो जाए, तो ये जो आपने बात कही ये सही है, यही हमारा खोज है। मैम, किस तरीके की खोज है, क्या किया, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या होता है, जो हम देखते हैं उसमें हमारे जो आंखों के लेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट, अहम भूमिका अदा करते हैं, प्ले करते हैं। तो ये जो लेंस होता है हमारे आंखों के, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये क्रिस्टलिन नामक प्रोटीन से बनते हैं जो काफी स्टेबल होता है, वो एज के साथ कई बार वो डिग्रेड नहीं करता है और ये स्टेबल होता है और ये हमारे आंखों को ट्रांसपेरेंसी मतलब प्रदान करता है। बट क्या होता है, जब हम कई बार हम यूवी एक्सपोजर या कोई और म्यूटेशन होता है इसमें, या विद एजिंग भी कुछ कई म्यूटेशन हो जाते हैं इस प्रोटीन में, या ये फ्रैगमेंट हो जाता है, या इसका जो नेटिव, इसका जो अपना स्ट्रक्चर है वो अगर टूट जाता है, तो इस केस में क्या होता है, ये जो प्रोटीन है ये एग्रीगेट करने लगता है, एक लंप सा बनाने लगता है, तो वो जो है हमारे आंखों के लेंस की ट्रांसपेरेंसी को धीरे धीरे खत्म करता है। तो वही होता है, आप देखेंगे कैटरैक्ट में एक ओपैक सा चीज दिखता है, एक वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, वो दिखता है आंखों के अंदर, तो वही है कैटरैक्ट। तो तो इसमें जो लेंस प्रोटीन है, जो क्रिस्टलिन प्रोटीन है, इसका जो एग्रीगेशन, इसका पहले टूटना एंड म्यूटेट होना और जो एग्रीगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या सोचा कि अगर हम कोई छोटा मॉलिक्यूल ले या कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले जो इस एग्रीगेशन को तोड़े, ये जो ओपैक सा स्ट्रक्चर बना है इसे डिसलॉज करे या उससे होने ना दे, तो इसके लिए हमने थियोरेटिकल कैलकुलेशन किया, हमने लिटरेचर सर्वे किया, फिर हमें ये एस्पिरिन मिला। हमने एस्पिरिन इसलिए चुना क्योंकि ये ऑलरेडी हम यूज करते हैं एज एन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, पेन किलर टाइप भी यूज करते हैं, तो ये ऑलरेडी ह्यूमन यूज में है, इसलिए हमने इसे चुना। फिर हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन ये सब स्टडी की, कंप्यूटेशनल स्टडीज किया, और इसको हमने उस क्रिस्टलिन प्रोटीन के साथ डॉक किया, जिससे हमें पता चला कि ये जो मॉलिक्यूल एस्पिरिन है ये क्रिस्टलिन प्रोटीन के साथ कुछ एमिनो एसिड, लाइक प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, तो ये स्पेसिफिक एमिनो एसिड रेसिड्यू से इंटरैक्ट करता है, और ये इंटरैक्ट करते करते इनकी जो एग्रीगेशन होता है इसको प्रिवेंट करता है। हमने लैब में क्रिस्टलिन प्रोटीन बनाया, हमने उसके फ्रैगमेंट्स, जो पेप्टाइड है जो टूट कर जो पेप्टाइड बनता है, प्रोटीन टूट के छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स बनता है, उनकी सिंथेसिस की, फिर हमने उनका एग्रीगेशन स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल बेस्ड इमेजिंग से, फिर हम उस एग्रीगेशन के साथ हमने जब एस्पिरिन को इन प्रोटीन के साथ इंक्यूबेट किया, कोइंक्यूबेट किया, तो हमें पता चला कि ये जो बने हुए एग्रीगेट्स को भी तोड़ता है, एंड ये अगर आप पहले से इंक्यूबेट करें तो ये होने भी नहीं देता है, मतलब प्रोटीन को एग्रीगेट होने से भी रोकता है। तो ये दिस सजेस्ट कि ये दोनों ओर से काम कर सकता है, जैसे अगर आप
इनिशिएशन हो गया है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको डाल सकते हैं, तो हो सकता है वो फर्दर कैटरैक्ट होने से रोके, एंड अगर एग्जिस्टिंग कैटरैक्ट है तो उन प्रोटीन एग्रीगेट्स को डिसॉल्व करने में भी मदद करेगा ये। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक तो जब इस तरीके के आपने नैनो पार्टिकल्स या हम कह सकते हैं नैनो रॉड्स का इस्तेमाल किया लैब के अंदर, तो जो एक तरीके से मोतियाबिंद की में जो दिक्कत आ रही थी, या हम कह सकते हैं जो लेंस का जो मटेरियल है जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट नहीं रह रहा था, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी वापस लौट रही है, ऐसा है? ऐसा ही एक्चुअली देखिए, हमने एस्पिरिन लिया, फिर हमने इसका नैनो रॉड्स बनाया। नैनो रॉड्स क्यों बनाया, क्योंकि मैं बता दूं नैनो टेक्नोलॉजी एक नई और मतलब मॉडर्न फील्ड है, अभी काफी इस पर रिसर्च हो रहा है स्पेशली ड्रग डिलीवरी में। तो इसमें क्या होता है, जब हम एक छोटा सा एक नैनो स्ट्रक्चर्स है जो जो कि एक मीटर के -1 × -9 ऑफ अ मीटर होता है, इससे क्या होता है इसका जो सेल्स में और टिश्यू में पेनिट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। अगर इसमें हम कोई मॉलिक्यूल लोड करें तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जैसे ड्रग है हम लेते हैं तो मैक्सिमम ड्रग वेस्ट आउट हो जाता है, जो जहाँ डिजीज है वहाँ पहुँचता नहीं है। बट जैसे हम आंखों में कुछ डालते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, टीयर से वो ड्रेन आउट हो जाएगा। आपने देखा होगा हम कुछ डालते हैं आई ड्रॉप, तो सबसे पहले हमारा टीयर से ड्रेन होता है। तो अगर हम 100% कोई मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसका जस्ट 5% हमारे आंखों के टिश्यू में जाता है। तो इस केस में हमने नैनो रॉड इसलिए बनाया क्योंकि ये नैनो स्ट्रक्चर्स है, छोटे छोटे नैनो स्ट्रक्चर्स, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये टिश्यू के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो ये दो फायदे, एक तो हमारा एस्पिरिन एंटी एग्रीगेटिंग है, क्रिस्टलिन प्रोटीन के एग्रीगेशन को रोकता है, कैटरैक्ट को मतलब ठीक कर सकता है, और इसके नैनो फॉर्मुलेशन से इसका जो टिश्यू में अपटेक या आंखों के टिश्यू में जो पेनिट्रेशन और जो बायो अवेलेबिलिटी है ये बढ़ सकता है। तो इस केस में ऑफकोर्स वो जो नैनो फॉर्मुलेशन है वो कैटरैक्ट को ठीक करने में या उसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होगा। मैम एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, अभी जो आपने काम किया है वो किस लेवल पर है, अब अगला स्टेप क्या है? एक्चुअली हमने लैब में तो सारे कंप्यूटेशनल एंड इन विट्रो स्टडीज से ये प्रूव किया, प्रोटीन के साथ सारे स्टडीज हमारे हो चुके हैं, एनिमल रैट में हमारे स्टडीज हैं, रिजल्ट प्रोग्रेसिव है, और इसके बाद हमें बड़े एनिमल्स में लाइक मंकीज वगैरह में देखना पड़ेगा। उसके बाद इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में जाना होता है, हर मॉलिक्यूल का हमें अप्रोच करना पड़ेगा, उसके बाद सेफ्टी प्रोफाइल एनालिसिस। तो ये सारे जो है ये इसके स्टेप्स हैं एक मॉलिक्यूल आपके मार्केट में आने से पहले के। तो अभी हम लैब स्टेज में ये हमने वैलिडेट किया है। देन जो पूरा प्रोसेस है ये एक साथ नहीं हो सकता है पैरेलल, जैसे आप इसके बाद जो है एनिमल ट्रायल भी हो साथ ही साथ जो है ह्यूमन में भी, ये इसका क्या पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है? नहीं, पैरेलली नहीं हो सकता है क्योंकि हर एक स्टेज इम्पॉर्टेंट होता है, हर किसी का जीन जेनेटिक मेकअप अलग होता है, हर किसी का प्रोटीन अलग होता है। लाइक हमारा जो माइस मॉडल हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ होमोलॉजी है काफ़ी, और उसके बाद प्राइमेट्स का और ज़्यादा होमोलॉजी है। तो जैसे अगर कोई चीज़ माइस में काम करती है हो सकता है वो प्राइमेट्स में काम ना कर, पर अगर प्राइमेट्स में काम करती है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो ह्यूमन के साथ उसका रिजेम्बलेंस ज्यादा हो। इसलिए हर एक स्टेज में ये प्रूफ मतलब पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद ही उसके बाद वो ह्यूमन ट्रायल्स और क्लिनिकल ट्रायल्स में जाता है। तो हर एक स्टेज इम्पोर्टेंट होता है, पैरेलली नहीं हो सकता। ये एक जो ये जो दवा देने की जो बात है इसमें जब फॉर्मुलेशन बन जाएगा तो क्या होगा, आई ड्रॉप बनेगा क्या या कोई दूसरा फॉर्मेट होगा? नहीं, हमारा कोशिश है कि आई ड्रॉप बने ताकि पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, लाइक जस्ट आप इसे आंखों में ऐसे टॉपिकली डालें और वो हेल्पफुल हो। तो मैंने एक्चुअली अमेरिका में थी जब मैं पोस्ट डॉक में, वहाँ पे भी मैं ऑप्थेल्मोलॉजी ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी लैब था वहाँ पे, तो वहाँ पे यही आंखों में मोस्ट प्रेफरेबल जो है टॉपिकल एप्लीकेशन, पेशेंट कंप्लायंस इसको माना जाता है टॉपिकल एप्लीकेशन। तो कोशिश ये रहेगी कि आई ड्रॉप बने। एक चीज है कि तमाम कंपनियां हैं जिनका काम है तरह तरह के लेंस बनाना, ये हजारों करोड़ का धंधा है यानी बिजनेस है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि आपको वो कंपनियां काम करने देंगी, क्योंकि एक तरीके से आप उनके काम पर ही जो है अब यानी जो उनका काम है उसी को खत्म करने की एक तरीके से ये नई इन्वेंशन है।
देखिए हम तो साइंटिस्ट हैं, खोज करना एंड मतलब भी हमारा काम है कि हम नई नई खोज करें। बाकी हाँ, इसका IPR हमने कुछ उसको भी वो प्रोसेस में है, हमने पेटेंट डाला हुआ है, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें टेक केयर की जा रही हैं। बाकी मेन गोल तो है कि लोगों को हेल्प हो जाए, लाइक समथिंग शुड रीच द कॉमन मैन, सो लेट्स सी। तो ऐसा नहीं लगता आपको कोई खतरा महसूस नहीं होता है कि इस तरह की कंपनियां किसी ने अप्रोच तो नहीं किया आपको अभी तक? अभी तक तो नहीं, अभी तो हमने भी हम IPR प्रोसेस में हैं, तो लेट्स सी। तो उम्मीद करें कि कितने दिनों में ये दवा आ जाएगी? अगर हम पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करेंगे कितना टाइम लगेगा आपको? ये सारा सेफ्टी प्रोफाइल, ये वो 5 साल तो लगेगा ही, मिनिमम 5 साल। उसके सारे आपको पता ही है, कोरोना के वैक्सीन के लिए भी एक रश है, बट वो भी नहीं इतनी जल्दी हो पा रहा है, लाइक जनरली उसमें भी टाइम लगता है। तो कोई भी ड्रग ह्यूमन यूज में आते आते टाइम तो लगता ही है, उसका अपना पाथ फॉलो करना पड़ता है। मैम, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपको धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं एक नई खोज है, बड़ी खोज है। क्योंकि खोज इसलिए बड़ी है क्योंकि देश भर में तमाम जगहों पर लोग परेशान हैं, क्योंकि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है एक आम बात हो गई है और जिसमें काफी पैसा खर्च होता है। बहुत से लोग देश में गरीब हैं जो उसका इलाज नहीं करा पाते हैं, कई बार आंखें भी चली जाती हैं। ऐसे में ये आई ड्रॉप अगर बनती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है मोतियाबिंद से मुक्ति मिल जाएगी। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।